फ्रेंड्स, आई वैभव वेलकम यू इन हॉरिजॉन एकेडमी। यस्टरडे आई अपलोडेड टू वीडियो। वन वीडियो इज डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड अनदर वन वीडियो इज क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। टुडे आई एम गोइंग टू कवर टॉप वीडियो ऑन क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। दिस वीडियो कंटेंस इन टू लैंग्वेज, वन इज इन इंग्लिश एंड अनदर वन इज हिंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कवर इन हिंदी, आफ्टर दैट आई विल स्विच टू इंग्लिश। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कल के वीडियो में देखा था कि क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन मतलब क्या, कि टाइटनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि 0.001 और एक दूसरा पार्ट है जिसका टॉलरेंस क्या है 0.01, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो ये जो टॉलरेंस है आपका, ये क्या है, टाइटर है इससे हिसाब से। उसके बाद उसके फैक्टर्स भी देखे थे कि आपके कौन कौन से टाइप के कस्टमर, आपका कस्टमर बेस कौन सा है। उसके बाद आपका प्रॉफिट कंसिडरेशन क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, ये सारे पॉइंट्स क्या किए थे वो वीडियो में कवर कर लिए थे। अभी देखते हैं क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस मतलब क्या। तो क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस में डेफिनेशन कुछ इस तरह से, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस इज द कंसर्न विद द हाउ वेल द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कन्फर्म्स विद द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। अगर इसको सिंपल भाषा में बताना होगा आपको तो मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा आपको कि आपका जो डिज़ाइन है और जो स्पेसिफिकेशन है, जो टॉलरेंस दिया है आपको, वो हिसाब से अगर जॉब मैन्युफैक्चर हो रहा है शॉप फ्लोर पे, तो उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस कहते हैं। उसमें क्या है कि एक बार डिज़ाइन इस्टेब्लिश हो जाती है आपकी प्रोडक्ट की, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के जो बंदे होते हैं उनका काम होता है कि वो हिसाब से या वो स्पेसिफिकेशन से वो जॉब मैन्युफैक्चर हो रहा है कि नहीं। और उनका काम है कि वो ट्रूथफुलनेस उसमें होना चाहिए कि वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जॉब मैन्युफैक्चर होना चाहिए। ठीक है, ये अभी इसका इंट्रोडक्शन हो गया, या आप बोल सकते हो कि डेफिनेशन और उसका थोड़ा सा समरी हो गया। फिर उसके बाद उसके फैक्टर्स आते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो क्या करते हैं कि आपका क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखे, एक एक देख लेते हैं कि आपका पहला फैक्टर क्या है यहाँ पे, कि रॉ मटेरियल। आपका अगर इनकमिंग रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, तो अगर कोई बंदे ने या कोई ऑपरेटर ने अच्छा जॉब भी मैन्युफैक्चर किया, मतलब वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अच्छे मशीन पे मैन्युफैक्चर किया, फिर भी कुछ यूज़ नहीं है क्योंकि आपका रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है। उसके बाद मशीन टूल्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी आपका जो मशीन है जिस पे आप जॉब मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके बाद आप कौन सा उसके ऊपर टूल यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर भी आपका क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस डिपेंड होता है। फिर उसके बाद आती है बात मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, आप कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसको चेक कर रहे हो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसको। उसके साथ ही ये मशीन और आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनका लेवल क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस का हाई होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनका मेंटेनेंस ही नहीं किया आपने। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है प्रोसेस सिलेक्शन एंड कंट्रोल, कि आप एक आधा जॉब मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, और उसके साथ ही आप उसके जो प्रोडक्ट प्रोसेस के कंट्रोल होते हैं वो आपके पास होने, एडवोकेट प्रोसेस कंट्रोल आपका होना चाहिए उसके ऊपर। फिर बात आती है ऑपरेटर की, जैसे आपको पता है कि 3M होते हैं, मेन, मटेरियल और मशीन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका मटेरियल हो गया, मशीन हो गई, उसके बाद थर्ड फैक्टर क्या आता है आपका, मेन आता है। आपके जो ऑपरेटर्स है वो क्या होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए और मोटिवेटेड होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आप जो जॉब मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका, अगर अच्छा जॉब मैन्युफैक्चर किया तो कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अल्टीमेटली उनका भी अच्छा ही होगा, ऑपरेटर का। वो क्वालिटी कॉन्शियस ने उनमें चाहिए। फिर उसके बाद आती है बात केयर की, आप जॉब मैन्युफैक्चर होने के बाद उसका शिपमेंट कैसे कर रहे हो, एक अगर इन हाउस शिपमेंट हो रहा है या कस्टमर पे हो रहा है तो उसका प्रॉपर केयर आपने क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। उसके बाद फीडबैक, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी फीडबैक की बात आती है कि आप क्या करो, इंटरनल फीडबैक लो कि क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके साथ कस्टमर का भी फीडबैक ले लो और उसके हिसाब से आप क्या करो, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लो। एक्सक्यूसिव टेक्निक यूज़ करो कि आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेरिएबिलिटी आ रही है उसके, उसको रिड्यूस करने के लिए स्टैटिकल क्वालिटी टेक्निक्स का यूज़ करो। बाद में बात आती है इंस्पेक्शन प्रोग्राम, आपका जो इंस्पेक्शन प्रोग्राम है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके जो पूरी सिस्टम है उसने क्या किया, उसके क्लियर पिक्चर आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ आपका जो डिफेक्टिव पार्ट्स है वो कम होने चाहिए, ठीक, और वो लाइन में से वो बाहर भी निकलने चाहिए। अगर आपका इंस्पेक्शन प्रोग्राम अच्छा है तो बराबर डिफेक्टिव पार्ट्स आइडेंटिफाई होंगे और वो लाइन, इन लाइन प्रोसेस में से वो बाहर भी निकल के आएंगे। फिर हाई क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन मतलब क्या होता है, हाई कॉस्ट। आपको जैसे मैंने बताया कि टॉलरेंस आप जितना टाइटर रखोगे उतना कॉस्ट बढ़ते रहता है, सेम
हाई क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस, अगर आप हाई क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस रख रहे हो तो क्या होता है आपका अल्टीमेटली कॉस्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस होता है कि बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं अगर क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम हो जाते हैं तो आपकी प्राइस कम हो जाती है। ऐसा ही ये टोटल क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस का था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नाउ वी मूव टूवर्ड्स इन इंग्लिश। हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सी वीडियो ऑन क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन मीन्स वॉट? टाइटनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन। फॉर दैट रीजन आई हैव टोल्ड यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो। देर इज ए वन जॉब विच हैड टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.001 एंड अनदर जॉब विच इज हैविंग टॉलरेंस ऑफ 0.01। दिस टू एग्जाम्पल्स आर देयर। दिस वन इज टाइटर टॉलरेंस दैन दिस। उसके आफ्टर दैट आई हैव गिव यू सम फैक्टर्स कंट्रोलिंग योर क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, जैसे टाइप ऑफ कस्टमर बेस, प्रॉफिट कंसिडरेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, फैक्टर्स। दिस फैक्टर्स आई हैव डिटेल इन डिस्कस इन यस्टरडेज वीडियो। टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस इज दैट कि हाउ वेल द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कन्फर्म्स विद द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। आपके वंस इन इंडस्ट्री व्हाट हैपन बेसिकली, डिज़ाइन इंजीनियर इस्टेब्लिश ए ड्राइंग, प्रोडक्ट ड्राइंग। आफ्टर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट विद द ट्रू स्पिरिट फ्रॉम दैट ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड। ओके, आफ्टर दैट वी मूव टूवर्ड्स फैक्टर्स कंट्रोलिंग योर क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। फर्स्ट पॉइंट इज रॉ मटेरियल। योर इनकमिंग रॉ मटेरियल शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, देन ओनली यू हैव टू प्रोड्यूस, देन ओनली यू कैन प्रोड्यूस गुड प्रोडक्ट्स। आफ्टर दैट मशीन टूल्स, द प्रोडक्ट ऑन विच मशीन इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ इज ऑफ गुड क्वालिटी एंड एट द सेम टाइम द कटिंग टूल्स यूज इज ऑल्सो ऑफ गुड क्वालिटी। आफ्टर दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। योर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन शुड बी ऑफ हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, दे शुड बी मेंटेन एट हाई लेवल। एट द सेम टाइम सेकेंड इज प्रोसेस सिलेक्शन एंड कंट्रोल। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्टिकुलर जॉब यू हैव टू सिलेक्ट ए प्रॉपर प्रोसेस। ओके, एंड आफ्टर दैट बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर प्रोसेस यू हैव टू मेंटेन द प्रोसेस कंट्रोल ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। Operators, you know that in manufacturing process there are 3 M. One is main, material and machine. Already we have discussed material, main, material, machine, and third one is your main. So your operator should be well trained, experienced and motivated towards the manufacturing of quality products. They have quality conscience in their mind. After that care, at the time of shipment in internal shop or at the time of shipment to the customer, it should be proper care should be taken of the products. Feedback should be of both, from both side, internal in company also, at the same time from customer also. From that feedback, you have to take corrective action to improve your quality of conformance. After that, SQC techniques. SQC techniques means what? Statistical quality techniques. These techniques are used to reduce variation in your manufacturing process. After that, inspection program. Your inspection program should be designed in such a way that your whole system is see through this inspection program. At the same time, by implementing this inspection program, faulty products or defective products should be automatically come out from your line, manufacturing line. Another one is high quality of design. High quality of design means what? Ki as your tolerance going to increase, your cost of product going to increase, but at the same time high quality of conformance is going to reduce your cost. How it will happen? If you implement high quality of conformance, means then what happened? Reduce number of defective parts. Ultimately, if parts are get reduced, defective parts, your cost of production will get reduced. If you like this video, please share, subscribe and comment also. Thank you.